हेलो गाइस, मैं हूँ के फ्रॉम नोएस्टेक और ये है वन प्लस 9R। इसको हमने एक साल यूज़ कर लिया है एंड इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे आपको कि लास्ट एक साल में ये फ़ोन कैसा चला है, अभी कैसा चल रहा है एंड मे बी आगे कैसा चलेगा एंड वन प्लस ने क्या इसमें कोई इंप्रूवमेंट किया है या कुछ बिगाड़ा है, हर चीज़ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। एक साल के यूजेज में सबसे अच्छी बात, वन प्लस ने यहाँ पे बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी। ये सी फ्रेम प्लास्टिक है बट यहाँ पे कोई भी डिस्कलरेशन देखने नहीं मिला, कुछ भी नहीं। अभी भी ये फोन मेरा काफी अच्छी कंडीशन में, हल्का सा एक डैमेज है सिर्फ ये राइट साइड के ऊपर, इतना मेजर नहीं है। जो डेफिनेटली इस फोन की मैं बिल्ड क्वालिटी से सैटिस्फाइड हूं। 190 ग्राम्स के आसपास है इस फोन का वेट, अंडर 200 ग्राम्स अच्छा ही वेट बोला गया मेरे हिसाब से। यहां पे मिल जाता है आपको 6.55 इंच का डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रेजोल्यूशन है, एमोलेड है, नो प्रॉब्लम्स, आउटडोर ब्राइटनेस भी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। OnePlus ने क्लेम किया यहां पे 1100 निट्स की ब्राइटनेस है एंड मुझे जीरो इश्यूज। आउटडोर विजिबिलिटी एकदम परफेक्ट है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एकदम परफेक्ट है। स्नैपड्रैगन 870 के कारण यहां पे जिटर्स भी बहुत ही आपको कम देखने मिलेंगे। डेफिनेटली अच्छा स्टेबल परफॉर्मेंस मिलेगा, स्मूथ मिलेगा एंड डिस्प्ले क्वालिटी जो ब्लैक्स है वो एकदम डीप मिलेंगे, प्रॉपर मिलेंगे, जिसके कारण डेफिनेटली आपको इस डिस्प्ले को यूज करने मजा आएगा। साथ में OnePlus ने नीचे का नॉच भी इस फोन में काफी छोटा दिया, तो आपको ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल लुक देखने मिलेगा। डेफिनेटली सामने से फोन अच्छा दिखता है, पूरा फ्लैट पैनल है, कोई कर्व देखने नहीं मिलता है, जिसके कारण इन हैंड फील भी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं देता है। यहाँ पे इस फोन को एंड्रॉइड 13 आ गया है एंड OnePlus ने इसको पूरा कलर ओएस बना डाला है, मतलब ऑक्सीजन ओएस खाली नाम का ही है, पूरा UI ऑलमोस्ट कलर वाइज जैसा है एंड ये रियलमी UI बोलता है, ये भी पूरा कलर वाइज है। इन दोनों को अगर मैंने कंपेयर किया, खाली नाम ऑक्सीजन वाइज एंड रियलमी UI लिखा है, पर है दोनों पूरे के पूरे कलर वाइज के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बट परफॉर्मेंस अच्छा है। स्नैपड्रैगन 870 डेफिनेटली अच्छा काम करता है, परफॉर्मेंस वाइज मुझे कोई इश्यूज नहीं आए, ना कोई ऐसे जिटर्स लैग देखने मिले। हल्की फुल्की हीटिंग होती है फोन में, नॉर्मल यूज में इतना कोई मेजर इशू नहीं है, बट डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 870 एक अच्छा चिप है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं मिला। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर OnePlus एक डिसेंट काम कर रहा है, बट कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन वाइज भूल गया है एंड ये पूरा कलर वाइज बनता जा रहा है। यहाँ पे मेरे पास 8GB की रैम है, डायनामिक रैम एक्सपेंशन वाला फीचर मिल जाता है। अगर आपको थोड़ी और रैम की जरूरत है तो अपनी मेन मेमोरी से ले सकते हो, मुझे ऐसे लगता है 8GB सफिशिएंट है, प्लस स्नैपड्रैगन 870 का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, इससे ज्यादा रैम की आपको जरूरत नहीं है। फिर भी आपको जरूरत है, DRE वाला फीचर अवेलेबल है, आपके काम आ जाएगा। इस फोन में ग्लोबल सर्च में मुझे एक बग दिखा, आप अगर अपने ऐप मेन्यू में जाते हो एंड वहाँ पे किसी ऐप के लिए सर्च करते हो, वो ऐप खोल लिया, अब आपने उसको क्लोज करके थोड़ी देर बाद फिर से अगर आप सर्च में जाते हो तो वो प्रीवियस हिस्ट्री आपका जो सर्च है वहीं का वहीं दिखाता है। रिफ्रेश हो जाना चाहिए जैसे मेरे दूसरे फोन्स में होता है, और यहाँ पे वो छोटा सा बग है, मेरे हिसाब से रिफ्रेश होना चाहिए। यहाँ पे OnePlus ने दिए 4 कैमरास, एक 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मोनो एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो। ये दो छोटे जो सेंसर है दोनों कचरा सेंसर है, आपको ज्यादा यूज नहीं करने, अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी कर रहे हो तो ठीक है, बाकी अगर मैं मेन कैमरा की बात करूँ डिसेंट फोटोज है, कलर्स को पॉप करता है, बट कहीं ना कहीं शार्पनेस की थोड़ी बहुत कमी दिखती है, हल्की सी फोटोज ओवर एक्सपोज दिखती है, फोटोज लोगे थोड़ा सा व्हाइटिश टोन देखने मिलेगा। अरे भैया कैसा देख रहे हैं, अगर आप ऐसी एम्पल सनलाइट में दिन के टाइम पे फोटो ले रहे हो नो प्रॉब्लम, पर जहाँ पे लाइट्स कम है वहाँ पे ये कैमरा काफी ज्यादा सफर करता है, काफी ज्यादा फोटोज में आपको नॉइज देखने मिलेगी। डेफिनेटली नॉट वन ऑफ द बेस्ट कैमरास एंड कंसीडरिंग के 40,000 में आया था, थोड़ा सा महंगा है मेरे हिसाब से, कैमरास कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे रह जाते हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा में भी डिटेल थोड़ा सा कम मिलेगा आपको, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं, डिसेंट फोटोज है, पर मैं बोलूंगा आपको मेन कैमरा को ज्यादा यूज करो। यहाँ पे अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूँ डिसेंट है, हल्की सी व्हाइटिश फोटोज आती है वहाँ पे भी, डिसेंट कैमरा की फोटोज है, मैं इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है। फॉर द प्राइस ये कैमरा यहाँ पे थोड़े से पीछे रह जाते हैं। 9R वाली सीरीज पे थोड़ा सा उसने कैमरा में गड़बड़ किया ही था OnePlus ने, इसलिए वो चीज हमें देखने मिलती है। इसी के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग बात करूं, आप 4K 60fps तक रिकॉर्ड कर सकते हो, डिसेंट वीडियोस आती है। अगर आपको थोड़ी सी अच्छी स्टेबिलाईजेशन चाहिए आप 1080p वीडियोस में रिकॉर्ड करो, थोड़ा सा बेटर स्टेबिलाईजेशन मिलेगी एंड थोड़ा सा हल्का कम रेजोल्यूशन मिलेगा। परफॉर्मेंस एक साल बाद भी फोन का उतना ही अच्छा है, 120Hz जैसा ही फील होता है, एकदम मस्त स्मूथ परफॉर्मेंस है, कहीं पे जिटर लैग देखने नहीं मिलता है। डेफिनेटली परफॉर्मेंस से मैं यहाँ बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ OnePlus से, OnePlus ने काफी अच्छा काम किया है इस डिपार्टमेंट में। साथ ही साथ यहाँ पे 5G का अपडेट मिल गया, एंड्रॉइड 13 भी आ गया। ये फोन में 5G का सिर्फ एक बैंड है N78 एंड एक बार भी नहीं मुझे जियो का यहाँ पे 5G मिला है, एक बार भी नहीं मिला। ये चीज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। उसी जगह ये 24-25 हजार के Realme 10 Pro Plus में मुझे ऑलमोस्ट पूरा टाइम आजकल 5G मिल रहा है एंड ये फोन जहाँ पे जियो 5G है, 40,000 रुपए का फोन था पहले एंड यहाँ पे
एक बार भी मुझे 5G देखने नहीं मिला, वो भी जियो में जिसके पास ज्यादा बैंड्स है। ये चीज भाई मुझे बहुत ज्यादा अनोइंग लगी है। मैं यहाँ पे पूरा टाइम 4G पे निकाला क्योंकि 5G एक बार भी नहीं मिला। अगर आपके पास वन प्लस 9R या 9 सीरीज का कोई फोन है ना आपको 5G मिला है, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे इतने टाइम के यूजेज में वन प्लस 9R का मेरा सबसे बड़ा कंसर्न रहा है बैटरी लाइफ। ये फोन मुझे 5 घंटे के कभी ऊपर स्क्रीन ऑन टाइम देता ही नहीं है, एंड वो भी नॉर्मल यूज में, कॉल मैसेज व्हाट्सएप गेमिंग कुछ भी नहीं। एंड नॉर्मल यूजेज हल्का फुल्का एक आध बार कुछ मूवी वूवी देख लिया, वो भी बहुत कम, एंड यूट्यूब बाकी नॉर्मल सर्फिंग। यहाँ पे मुझे यही सबसे बड़ा कंसर्न दिखा। अभी मेरा बैटरी का आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, मेरी फोन की बैटरी है 37% पे, अराउंड 16 घंटे पहले इसको फुल चार्ज किया है। स्क्रीन ऑन टाइम देखोगे तो खाली 3 hours 35 minutes का है, एंड फोन ऑलरेडी 37% पे आ गया है, जिसका मतलब मैक्स टू मैक्स ये फोन और 1.5 घंटा चलेगा। एंड ये एकदम ही लाइट यूजेज पे, कोई हैवी यूज किया भी नहीं है, हल्का फुल्का 5-7 मिनट के लिए कैमरा यूज किया है। और एक और स्क्रीनशॉट आप देखोगे मेरी बैटरी, अगर आप देखो मैंने 6 घंटे पहले चार्ज की थी 50% पे, 6 घंटे के यूजेज में जहाँ पे सिर्फ 1 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम है, बैटरी ऑलरेडी 24% पे आ गई है 4-4.5 घंटे का, वहां पे भी स्क्रीन ऑन टाइम। मुझे ऐसा लगा है यहाँ पे बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं है, डेफिनेटली ये फोन बैटरी के मामले में पीछे रह जाता है। फाइनली अगर मैं वर्डिक्ट की बात करूँ, यस ये फोन 40,000 रुपए का लॉन्च हुआ था, थोड़ा सा ओवर प्राइस था, बट वन ऑफ द बेस्ट वन प्लस 9 सीरीज का फोन था ये, एंड डेफिनेटली फोन अच्छा है। परफॉर्मेंस वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्प्ले वाइज बिल्ड क्वालिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी लाइफ एक कंसर्न है मेरे लिए, दूसरा 5G एक कंसर्न है मेरे लिए, एंड थोड़ा सा वीकर कैमरा एक कंसर्न है मेरे लिए, एंड इसको एंड्रॉइड 13 भी आ गया है, तो मेरे हिसाब से ये फोन इजिली 1.5 साल चल जाएगा अगर आपका कैमरा ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है। एंड ऑफकोर्स बैटरी लाइफ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, फास्ट चार्जर इसका जो आपको मिलता है 65W का वो लेके घूमो, आपका फोन 40 मिनट के अंदर अंदर फुल चार्ज भी हो जाएगा, तो आपका काम मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा इजिली। अगर आपने लिया है इस फोन को तो 1.5 साल चला सकते हो। लेने का सोच रहे हो, सेकंड हैंड लेने का सोच रहे हो, मैं बोलूंगा आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड मैं इसकी तो नहीं, इसके कुछ अच्छे ऑल्टरनेटिव्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो आपको थोड़ा सा बेटर रहेंगे। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।